इंडिया। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे शो गुड मॉर्निंग इंडिया में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमेशा की तरह कुछ खास। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज के शुभ विचार। जब तक जीना है तब तक सीखना है, अनुभव ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम रोज आपके लिए कुछ नया लेके ही आते हैं, तो इस बार भी कुछ नया ही होगा, चिंता ना करें, जो आपके और आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए जानते हैं आज के योगा टिप्स के बारे में। आज के योगा टिप्स में चक्रासन है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं आखिर क्या है चक्रासन। कई तरह के योगासनों के शारीरिक स्वास्थ्य में विशेष लाभ के बारे में पता चलता है, जिनका रोजाना अभ्यास करके आप सेहत को फिट बनाए रख सकते हैं। चक्रासन का बैक बेंडिंग योग आसन एक ऐसा ही अभ्यास है। चक्र का अर्थ है पहिया और आसन का अर्थ है इसे करने का तरीका। इस आसन को करने पर शरीर पहिए जैसा आकार ले लेता है। सबसे पहले कमर के बल लेट जाएं। अब पैरों को कुल्हों के बराबर खोलकर घुटने मोड़ लें और तलवों को जमीन पर रख लें। अब दोनों हाथों को कानों के साइड में इस तरह रखें कि उंगलियां पैरों की तरफ आएं। इसके बाद सांस लें और कुल्हों को जितना हो सके आसमान की तरफ उठाएं। सांस छोड़ें और रुकें। ये रहा आपके योगा टिप्स के बारे में। अब चलिए जान लेते हैं हेल्थ टिप्स के बारे में। हेल्थ टिप्स जो कि आपको आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत प्रभावी साबित होगी। सर्दियों के दौरान ड्राई स्किन से कई सारे लोग प्रभावित होते हैं और लक्षणों की गंभीरता काफी अलग हो सकती है। विभिन्न उपचार त्वचा की नमी की भरपाई कर सकते हैं और लक्षणों से राहत दिला सकते हैं। मलाई एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर है जो त्वचा को पोषण और नमी प्रदान करती है। चेहरे पर मलाई लगाने से त्वचा का निखार बढ़ जाता है। ये दाग धब्बों और टैनिंग को दूर करने में भी काफ़ी प्रभावी माना जाता है। अगर आप सर्दियों में ड्राई स्किन की समस्या से परेशान हैं तो दूध की ताजी मलाई से चेहरे की मसाज लें। करीब 10 मिनट बाद चेहरे को पानी से धो लें। हमारे गुड मॉर्निंग शो में बस इतना ही। फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए एन भारत।